हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एमएस स्टडी फॉर सीबीएसई पैटर्न। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 5.2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। ठीक है, यानी कि जो भी एंगल्स हमारे यहाँ पर बन रहे हैं, इसकी जो आर्म्स है वो आपस में पैरेलल है। इट मीन्स ए बी इज पैरेलल टू डी ई एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। ये आपको यहाँ पर गिवन है, और साथ में आपको गिवन है यहाँ पर इफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल ए बी सी ये आपका 70 डिग्री है, तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है एंगल डी जी सी। डी जी सी यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं एंगल डी जी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, और ये हैं आपके पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, क्योंकि ये देखिए ट्रांसवर्सल, सपोज कीजिए ए बी और डी ई आपके पैरेलल लाइंस हैं, और बी सी जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड ऑन द सेम डायरेक्शन एंड विद डिफरेंट वर्टेक्स। ठीक है, तो ये हो गया पेयर ऑफ आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेकेंड आपको यहाँ पर एंगल फाइंड करना है एंगल डी ई एफ। ठीक है, डी ई एफ ये वाला एंगल, तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं एंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू एंगल डी जी सी, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के भी इक्वल है, मीन्स 70 डिग्री, एंड द रीजन इज सेम, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, क्योंकि यहां पर सपोज कीजिए कि बी सी और ई एफ आपस में पैरेलल हैं, एंड डी ई क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।